आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पेड़ का दर्द, ठीक है, जो कविता आप लोगों के इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि कविता को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में अच्छे तरीके से जान लेना बहुत ही अच्छा कार्य होता है, जिससे आप लोग इस कविता के राइटर के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ उनके द्वारा जो कविता या रचनाएं की गई हैं उसके बारे में आप जान जाएंगे और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आइए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के हम लोग जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुक में लिखा हुआ है, देखिए, जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता के कवियों में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम अग्रणी है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में स्थित बस्ती जिला में हुआ था। उन्होंने एंग्लो संस्कृत विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और क्विक्स कॉलेज वाराणसी में प्रवेश किया। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा क्षेत्र में अध्यापन करने के उपरांत उन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कुछ दिन दिग्मान के प्रमुख उप संपादक पद पर भी कार्य किया। बाद में बच्चों की पत्रिका पराग का संपादन कार्य भी किया। उनका देहांतवास 25 सितंबर 1984 को हुआ, ठीक है। ये इनके कुछ जीवन की आपको घटनाएं बताई गई कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं उनका जो जन्म है वो 15 सितंबर 1927 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो बस्ती जिला में, ठीक है। तो पूछ सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में स्थित बस्ती जिला में हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि माने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, ठीक है, कहाँ एज अ प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया था? तो उसके नाम होगा आकाशवाणी, ठीक है। आकाशवाणी जो है उसमें उन्होंने एज अ सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया था, ठीक है। इसके बाद पूछ सकता है कि दिग्मान किसकी जो है वो मतलब पत्रिका है, हाँ सॉरी, दिग्मान किसकी पत्रिका है? तो वो जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पत्रिका थी, ठीक है। इसके बाद पूछ सकता है कि पराग का संपादन कार्य किसने संभाला या पराग का संपादन किसने किया? तो वो भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखोगे 25 सितंबर 1984 को इनका जो है वो देहांत हो जाता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का देहांत कब हुआ? तो 25 सितंबर 1984। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप लोग जो होंगे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक के कवि हैं? तो तीसरे तार सप्तक है, ठीक है। अब ये तार सप्तक क्या होता है? कवियों का एक समूह होता है। प्रथम तार सप्तक जिसका संपादन अज्ञेय जी ने किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो प्रथम तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी थे और तीसरे तार सप्तक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एज अ टीम मेंबर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छायावाद के उपरांत नई कविता के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब ये जो कवि हैं किस काल के हैं? तो छायावाद के हैं, ठीक है। आधुनिक काल में भी अलग है छायावाद। सुमित्रानंदन पंत ने सक्सेना जी की साहित्य कला दृष्टि की सहायता की है तथा उन्हें सहज प्रयत्न कवि और नए कविताओं में कला बोध का पारखी बताया है। उनके काव्य में रोमानियत एवं समसामयिकता पाई जाती है। वे समिष्ट चेतना और विशिष्ट चेतना के प्रति सजग हैं। उन्होंने कविता के नए नए विषयों का ओर ध्यान दिया है। सक्सेना जी ने जीवन के विविध पक्षों को अपनी कविता में नए ढंग से व्यक्त किया है। अब देखिए, ये तो उनके लेखन शैली के बारे में बात है। अब कौन कौन सी मेन रचनाएं इन्होंने रची हैं वो आपका यहाँ पर दिया गया है। एक एक करके मैं समझाता हूँ। देखिए, रचनाएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। उनकी साहित्यिक कृतियाँ निम्नलिखित प्रकार की हैं, यानी काव्य कृतियाँ, यानी कविता है क्या? तो काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएँ, जंगल का दर्द, खूंटियों पे टंगे लोग,
आदि, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि मैंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियाँ बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांस का पुल किसकी रचना है। वो आपको ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन दिया सकता है, उसमें एक ऑप्शन होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जंगल का दर्द किसकी कविता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों को बस एक बार इसको नज़र देख लेना, क्योंकि ऑप्शंस में ही इस सभी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। नाटक की बात करें और नाटक में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब टाइटल वाले इनके नाटक थे। पहला टाइटल बकरी, दूसरा है कल फिर भात आएगा, दूसरा है तीसरा है लड़ाई, चौथा है अब गरीबी हटाओ, राजबाज बहादुर की रानी, रूपमती आदि, ठीक है। ये इनके नाटक के नाम है। उसके बाद उपन्यास की बात करें तो पागल कुत्तों का मसीहा एक है, सोया हुआ जल ये दूसरा उपन्यास है। लेख संग्रह की बात करें तो चर्चे और चरखे ये इनके लेख संग्रह हैं, ठीक है। तो आपसे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। तो आई होप आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कि हमारे पेड़ के दर्द के कवि हैं, इसके जीवन परिचय के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग पंक्तियों को पढ़ते हैं और पंक्तियों के पढ़कर उसके अर्थ को समझने की चेष्टा करते हैं। और मैं आप लोगों के स्क्रीन पर मतलब व्याख्या भी लिख दूंगा और आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। कविता को समझाते हुए मैं आप लोगों को व्याख्या बतला भी दूंगा और आपके स्क्रीन पर मैं उसे प्रोजेक्ट भी कर दूंगा, आप वहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समय रहते और फिर आगे बढ़ जाइएगा और अच्छे तरीके से वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। आप चेष्टा कीजिए जितना ज़्यादा हो सके आप शिक्षित बने, समाज शिक्षित बने, ताकि हम सब मिलकर एक नए भारत की कल्पना कर सकें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है पेड़ का दर्द, इसके राइटर का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। तो पेड़ का दर्द कविता को पढ़ने से आप लोग इतना समझ में तो आ गया होगा इसके टाइटल को पढ़ने के बाद कि जो कविता है वो असल में प्रकृति के तरफ मतलब प्रकृति के लिए है, और जो कवि है वो प्रकृति के विनाश जो हो रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस प्राकृतिक आपदा से। इसीलिए वो जो है मानव समाज से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक लोग इसी तरह पर्यावरण का विनाश करते रहेंगे विकास के नाम पर, ठीक है। तो कविता की जो लाइनें हैं कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। प्रस्तुत पंक्ति में जो कवि है वो कहते हैं कि मुझे उस जंगल की याद मत दिलाओ जिस जंगल का कभी एक घना अस्तित्व होता था, जिसमें समाज का विकास का रास्ता आगे बढ़ाया, उस जंगल की याद अब मुझे मत दिलाओ, ठीक है। जंगल का जो दर्द है वो कवि का ही दर्द है, ठीक है। वो इसीलिए उस जंगल को याद नहीं करना चाहता है। उसकी यादों में बस क्या है, तो उसकी यादों में बस केवल धुआं, लपटे और कोयले, और कोयला जलने पर राख छूट जाता है, तो बस वही कुछ रह गए हैं। इसीलिए अब वो उस जंगल को याद करना नहीं चाहता है, इसलिए कवि यह आग्रह करता है कि उसे उस जंगल की याद मत दिलाओ, ठीक है। तो आप देखो इसका जो मैंने आप लोगों को समझाने की चेष्टा की, इसको आप लोग अपने अपने तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसको लिखना है तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपका इसका व्याख्या लिख दे रहा हूँ, आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर अब आ गया होगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे देखिए, हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होगी, ठीक है, इसकी जो व्याख्या है उसको मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि कहते क्या है, मतलब उन पुराने दिनों को याद करते हैं, उस पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब उनका अस्तित्व था, पेड़ जंगलों में बहुत सारे पेड़ थे, जब उनका अस्तित्व था तो वो भी क्या अनोखा दिन था, वो भी क्या हसीन दिन थे। उस समय चिड़िया पेड़ों पर बैठकर, यानी मुझ पर बैठकर, यानी पेड़ पर बैठकर चहचहाती थी, धामिन सांप जो है वो मुझ पर लिपटी रहती थी, और गुलदार उससे उछलकर बैठ जाता था। गुलदार एक जानवर होता है जिसको आप चीता बोल सकते हैं, चीते की तरह वो दिखता है, ठीक है, वो मुझ पर बैठ जाता था। और इस प्रकार जो है कभी उन दिनों को याद करते हैं जिस समय सब पेड़ का अस्तित्व था। ठीक, इसकी भी पंक्तियां जो व्याख्या होगा उसको मैं अपने स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं, आप लोग उसे लिख लीजिए। चलिए आगे की पंक्तियों में देखिए क्या लिखा है। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइनें हैं इसको मैं समझा दूँ कि प्रस्तुत पंक्ति में जो कवि हैं वो जंगल को याद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब उनके जंगल के याद के नाम पर केवल क्या है, धुआं, राख, लपटे कोयले, राख, यही सब विद्यमान है। अब उनके मन में केवल और केवल क्या यादें रह गई हैं, वो जो पुराने दिन थे उन सबको वो भूल ना चाहते हैं और भूल चुके हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है। कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जंगल की याद के बजाय, ठीक है, जंगल की याद के बदले अब उनको किसकी याद है, कुल्हाड़ियों की याद है। ठीक है, जो मुझ पर चली थी, मतलब जिन कुल्हाड़ियों ने पेड़ का अस्तित्व को क्या किया था, समाप्त किया था, पेड़ को काटा था। ठीक है, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, यानी उन कुल्हाड़ियों की याद है और उन आरों की याद है जिन्होंने पेड़ के अस्तित्व को समाप्त किया था। ठीक है, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली। ठीक, तो कवि बोल सकता है कि कवि को किसकी याद है, तो कुल्हाड़ी की और आरों की याद अभी भी उनके मन में है। इन्हें क्यों याद है, क्योंकि इसी दोनों ने मिलकर क्या किया था, उनकी संपूर्णता छीन ली थी। ठीक है, अब इसकी जो व्याख्या है इसको आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे तरीके से, और चलिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला लाइन देखिए, चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुशबू झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि मानवता के विकास के नाम पर जो प्रकृति का विनाश हो रहा है उसमें कवि जो हैं वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, वो पेड़ की कटाई तथा इस प्रकार के क्रियाकलाप को रोक नहीं पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं क्या, उनकी हालत जो है वो चूल्हे में जलती हुई लकड़ी के समान हो गई। देखो, चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, यानी वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो बेबस हैं, बिना यह जाने कि जो हांडी मुझ पर चढ़ी है उसकी खुशबू झूठी है या उसमें किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो विनाश हो रहा है इसका प्रभाव आने वाले समय पर क्या पड़ेगा, ठीक है, क्या यह विकास के मार्ग को आगे बढ़ाएगा या प्रकृति का जब विनाश होगा तो इससे मानव कल्याण का भी विनाश हो जाएगा, ये कवि समझ में नहीं आ रहा है, वो लाचार और बेबस हैं। ठीक है, तो इसकी जो व्याख्या होगी कैसे समझ में देखेगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो कवि है वो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मेरी हालत जो है वो इसी हो गई है, जैसे कि चूल्हे में जलती लकड़ी के समान मेरी हालत हो गई है। मुझे यह भी नहीं पता कि जो मुझ पर हानि रखी गई है उसमें जो खुदबूद है वो सच्ची है या झूठी, या उसमें अनाज है जो पक जाने के बाद जिससे किसी का पेट भरेगा और आत्मा तृप्त होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को कविता समझ में आ रहा होगा। इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दी है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ने की चेष्टा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने खड़े हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, जंगल की याद मुझे मत दिला। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं वो यह कहते हैं कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि जो चेहरे मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि कवि जो है वो चूल्हे में लगी लकड़ी के समान है और वो जल रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है।
ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि मुझे उस जंगल की याद मत दिलाओ, ठीक है, बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने खड़े, मेरे सामने खड़े मतलब, क्योंकि कवि जो है वो चूल्हे में चूल्हे की लकड़ी की तरह जल रहा है, तो उससे जो आँच यानी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं, तमतमा रहे हैं मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ या उसके प्रभाव में आकर मेरे सामने आए हुए हैं या गुस्से से, ठीक है, गुस्से से मतलब, अब गुस्से से आप तो समझ ही रहे होंगे, गुस्से से वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे, गुस्से से उठाकर चल पड़ेंगे मतलब अब मुझे उठाकर वो विरोध करने चल पड़ेंगे, ताकि समाज में जो लोग हैं जो विकास के नाम पर प्रकृति का हराश कर रहे हैं उनका विरोध में मेरी बातों को सुनने के बाद लोग मेरे साथ होकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उन्हें यह भी नहीं पता, उन्हें यह मैंने इस बात की शंका है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझ पर पानी डाल के सो जाए, इसीलिए कवि जो हैं वो कहते हैं कि मुझे जंगल की याद मत दिलाओ, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, कवि जो हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उन्हें जंगल की याद न दिलाइए, ठीक है, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता है कि जो चेहरे उनके सामने आकर खड़े हैं उनकी बातों में प्रभावित होकर तथा उनके साथ चलने के लिए खड़े हैं कि केवल गुस्से से खड़े हैं, ठीक है, क्या वो उनका साथ देकर आगे बढ़कर प्रकृति के विनाश को रोकने के लिए कार्य करने वाले हैं कि बिल्कुल इसके ठीक विपरीत इसे बुझाकर सो जाएंगे, बुझाकर सो जाएंगे मतलब कवि को अकेला छोड़ देंगे, कवि के साथ कोई नहीं आएगा, ठीक है। और कवि क्योंकि लकड़ी का आग है, ठीक है, जलती हुई लकड़ी है, तो जब क्रांति होती है तो हाथों में मशालें होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर क्रांति बुझाना हो तो मशालों को बुझा दिया जाता है ताकि क्रांति ना हो, तो उसी का प्रतीक यहाँ पर कवि जो हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइनें हैं इसकी जो व्याख्या है वो मैंने कर दिया है, आप लोग स्क्रीन पर देखकर उसे लिख लीजिए, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं, देखिए अभी स्क्रीन पर आपका आ गया होगा, हाँ तो आप लोगों ने लिख लिया, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियाँ हैं जिसने अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थीं। अब ये जो अंतिम लाइन है इसमें जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि जो आँच से मतलब जब लकड़ी जलता है तो उसमें चिंगारियाँ निकलती हैं, तो ये जो चिंगारियाँ हैं वास्तव में ये चिंगारियाँ नहीं हैं, ये उन पेड़ की झड़ती हुई पत्तियाँ हैं, ठीक है, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करती हैं, और मैं भी इन चिंगारियों की तरह, लपटों की तरह जो धरती पर गिर रही हैं एक बार अपनी धरती को चूम लेना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें कभी मेरी जड़ें थी, मतलब जिस समाज में मैं पला बढ़ा उस समाज को मैं अंतिम बार देख लेना चाहता हूँ। और लोगों से वह अंतिम निवेदन करते हैं कि यदि वह उनका साथ देते हैं तो आगे चलकर जरूर प्रकृति के इस विनाश को रोका जा सकता है, ठीक है, ठीक है। कभी को यह विश्वास होता है कि कभी ना कभी हम उस गलतियों से कुछ सबक लेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे कि प्रकृति हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इस पूरे कविता को पढ़ा और समझने की चेष्टा की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो व्याख्या है उसको मैं अपनी स्क्रीन के सामने आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग व्याख्या कर लीजिए। और व्याख्या लिखने के बाद, ठीक है, एक बार जरूर कविता की लाइनों को पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ व्याख्या को रिपीट कीजिए। इस बात का मैं 99% गारंटी देता हूँ कि आप लोग जो हैं इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर आप लोग कविता की पंक्तियों को और व्याख्या की लाइनों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो इस कविता से अगर आपके व्याख्यामूलक प्रश्न में कोई भी व्याख्या पूछता है तो आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। एक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और इससे आपको जानकारी प्राप्त होती है तो ज़रूर इसे अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी घर पर बैठकर अच्छे तरीके से पढ़ पाए। याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो उसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो शिक्षा बाँटने से बढ़ता है, तो आप भी अपने ज्ञान को फैलाइए, समाज के विकास में एक अहम भूमिका निभाइए, हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।